मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त पिंकी शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो कैसे हो आप सभी, आए हो बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। आई होप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए ना, तो इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई होप इस स्टोरी से आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा क्लियर हो सके। तो स्टोरी क्या है कि एक बच्चा होता है, वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें सच्ची में अपनी लाइफ की वैल्यू पता करने। तो कहता है, वो बोलता है हाँ मेरे को सच्ची में पता करने की भाई मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो उसके पापा ने बोला ठीक है। उसके पापा उसे एक पत्थर देते, कोई मामूली पत्थर उसके हाथ में थमा दिया और बोलते हैं कि तू इसे मार्केट में ले जाना और अगर कोई तुझे इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत बोलना, चुप रहना, सिर्फ अपनी ऐसे दो उंगली दिखा देना। उसने बोला ठीक है। अब वो मार्केट में जाके बैठ गया। मार्केट में बूढ़ी अम्मा आई, उसने बोला बेटा ये पत्थर कितने का है, तुम कितना लोगे इसके। तो उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके पापा ने उसे मना किया था। तो उसने सिर्फ ऐसे दो उंगली दिखा दी। तो उसने अम्मा ने बोला 200 रुपये। तो वो एकदम चुप रहा और एकदम थोड़ा शॉक हो गया कि मामूली पत्थर की कीमत 200 रुपये। तो उन्हें पापा के पास आया और बोला कि दादी अम्मा ऐसे ऐसे इसको 200 रुपये देने के लिए तैयार थे। उसके पापा ने उस टाइम उसे कुछ नहीं बोला और बोला कि अब तो इस पत्थर को लेके एक म्यूजियम में जाना। उसने बोला ठीक है। और वहाँ पे तुझे कुछ नहीं पूछ बोलना, अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो सिर्फ अपनी दो उंगली दिखा देना। उसने बोला ठीक है। अब वो गया म्यूजियम की सीढ़ियों पर बैठ गया। वहाँ से एक आदमी आया, थोड़ा वो मतलब कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसने देखा उसके हाथ में एक पत्थर है। तो उसने बोला अच्छा तो ये पत्थर है, तुम इसके कितने रुपए लोगे, क्या प्राइस है इसका। तो उसने वहाँ भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी दो उंगली दिखा दी। तो उसने बोला 20,000 रुपये है, लाओ मेरे को दे दो ये पत्थर। तो फिर वो और भी शौक हो गए कि इसके 20,000 हो गए। तब वो अपने पापा के पास गया कि ऐसे ऐसे वो अंकल थे, वो 20,000 देने के लिए तैयार थे। अब उसके पापा कहते हैं चल ठीक है, मैं देखो आखिरी जगह भेजता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। उसके पापा ने उसे भेजा एक जो पत्थर की जो शॉप होती है ना, जो अमूल्य पत्थर को रखते हैं, उसकी शॉप पर भेजा। तो वो उसकी शॉप पर गया तो वहाँ पे बूढ़े व्यक्ति था। उसने उस पत्थर को देखा तो वो बोलते हैं कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, मैंने उसको ढूंढने के लिए अपनी पूरी उम्र निकाल दी। तो उसने बोला मतलब कि कहते हैं फिर बोला इसके क्या प्राइस लोगे तुम लोग। तो उसने बोला ठीक है आप। उसने कुछ नहीं बोला, उसने दो उंगली दिखा दी। तो उसने बोला अच्छा तुम इसके 2,00,000 लोगे। तो कहता है 2,00,000 दोगे ना, मैं तो पत्थर दे देता हूँ। वो अपने पापा के पास गया कि पापा पापा ऐसे वो आदमी इसके 2,00,000 देने के लिए तैयार थे। अब उसके पापा ने उसे समझाया कि अब तुम समझे हमारी लाइफ की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। आप खुद को 200 का पत्थर समझते हो, 2,00,000 का पत्थर समझते हो। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनके लिए हमारी लाइफ जिनके लिए हम बहुत कुछ होते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं कि जिनके लिए हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको इससे थोड़ा हिंट मिल सका हो और आपको फिर स्टोरी अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।